हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी एक और नई कमाल की वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने हैं उत्तराखंड के कुछ घमंडी यूट्यूबरों के बारे में एंड साथ ही बात करने वाले हैं कि ये क्यों इतना घमंडी हैं एंड छोटे छोटे यूट्यूबर को ये क्यों सपोर्ट नहीं करते, क्या है वो रीज़न है जिसके कारण ये छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते। एंड काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहा हूँ कि इस टॉपिक पर काफ़ी सारी वीडियो बन रही है एंड आप लोगों को पिछली वीडियो में काफ़ी सारे ये क्वेश्चन भी आए थे एंड आप सब लोगों ने कमेंट में बताया भी था कुछ पहाड़ी यूट्यूबरों के घमंडी यूट्यूबरों के बारे में कि यूट्यूब छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते एंड क्या वो रीज़न है जिसके कारण छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते एंड क्यों ये इतना घमंडी है। एंड काफ़ी टाइम से ये मुद्दा यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड वीडियो भी देखने को मिल रही है इस टॉपिक पर, तो मैंने कहा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए एंड पूरी डिटेलिंग में आपको बताया जाए कि इस वीडियो का मतलब क्यों इस चक्कर से वीडियो बनाई जा रही है, क्यों ये इतना घमंडी है एंड किस चीज़ को लेकर लोग इन्हें हेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आज के सारे डाउट क्लियर करना, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम इस पे लगातार ऐसी कंटेंट यहाँ पे बनाते रहते हैं। तो चले गाइस बिना किसी देर के एक और नई कमाल की वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं कि क्या रीज़न है जिसके कारण यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो बन रही है एंड सोशल मीडिया पे ये अपडेटें आ रही हैं एंड उत्तराखंड के जो ब्लॉगर हैं उनको लोग क्यों हेट करें। तो मैं सबसे बड़ा आपको रीज़न बताता हूँ वो है अंकिता भंडारी केस। जैसे कि आपको पता है कि अंकिता भंडारी केस से इसी यहाँ पर लगभग एक साल से ऊपर हो गया एंड अंकिता भंडारी जी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला एंड लोगों की तरफ से लगातार ये अपडेटें आ रही हैं। लोग यहाँ कह रहे हैं कि उत्तराखंड में यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं पर कोई भी अंकिता भंडारी केस में यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड अपनी वीडियो के माध्यम से कोई भी यहाँ पे बता नहीं रहा है एंड सपोर्ट नहीं कर रहा है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उत्तराखंड के बट उनकी तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो लोग इसके चक्कर से काफ़ी ज़्यादा हेट कर रहे हैं एंड आप सब लोगों के क्वेश्चन भी आए थे। गाइज मैं भी इस बात पर यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि ये बात आपका बोलना सही है क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उत्तराखंड के, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जैसे कि आपको भी पता ही है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा बट बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो इस केस में यहाँ पे मदद नहीं कर रहे एंड अपनी तरफ से उनकी कोई अपडेट नहीं है। तो गाइज आपका भी बोलना जायज़ है बट गाइज हम भी क्या कर सकते हैं, अब वही जाने कि वो जो ये केस है इस पर क्यों ना वीडियो बना रहे हैं, क्यों अपनी वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहे हैं एंड वो तो आप ही जाने। बट ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण उत्तराखंड के कई ब्लॉगरों को यहाँ पर हेट किया जा रहा है एंड यूट्यूबरों को हेट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। लोग बोल रहे हैं कि वो अंकिता भंडारी केस में यहाँ पे कोई भी मदद नहीं कर रहे एंड अपनी वीडियो बनाने पे लगा है पर वीडियो के माध्यम से कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं दे रहे एंड कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अब बात करते हैं दूसरा रीजन सबसे बड़ा आ रहा है जो कि यूट्यूब पे काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि इस टॉपिक पर काफी सारी वीडियो बन रखी हैं। जैसे कि मैंने आपने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी देखी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि उत्तराखंड के बहुत बड़े घमंडी यूट्यूबर छोटे बड़े क्रिएटर को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते सपोर्ट। तो मैं गाइज आपको बताते हैं कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है एंड अपना खुद आपको ऑडियंस बेस बनाना पड़ता है। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर आपको सपोर्ट कर भी दे तो गाइस उससे कुछ होता नहीं है क्योंकि आपको अपना ऑडियंस बेस बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ टाइम तक वो आपके वीडियो तो देखेगा, आपको सब्सक्राइब तो करेगा बट जब उसे आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं होगा, देखना पसंद नहीं होगा तो वो आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देगा एंड आपके चैनल को छोड़ कर चले जाएगा। तो गाइस इसमें आपका ही नुकसान है, इसलिए गाइस कोई भी बड़ा यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करता। गाइस अगर सपोर्ट कर भी देगा तो कोई फायदा नहीं क्योंकि सब्सक्राइबर बेस तो आप बना देंगे बट जो ऑडियंस होगी ऑडियंस बेस नहीं बना पाएंगे, वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे जिससे आपके चैनल का जो ग्राफ है वो नीचे गिरने लग जाएगा। तो गाइज ये भी बड़ा रीजन होता है एंड हर कोई यूट्यूबर यहाँ पे यूट्यूब पर काफी मेहनत करता है जिसकी कि आपको पता ही है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ती है, चैनल को ग्रो करना पड़ता है एंड यूट्यूब पर आपको पता है कि कितनी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो गाइज उन यूट्यूबरों को पता रहता है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कितनी मेहनत की है, तो लोग खामा खाई गाइज उन पर वीडियो बनाते रहते हैं कि वो घमंडी है ये है, जिसके आप देखते हैं कि यूट्यूब क्या आपको काफी ज्यादा यहाँ पे टॉपिक मिल जाएंगे एंड लोग ऐसे ही यहाँ पे वीडियो बनाते रहते हो। गाइज इस रीजन से भी यूट्यूबर को हेट किया जा रहा है, जैसे कि काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो बना रहे हैं कि घमंडी यूट्यूबर उत्तराखंड के, ये सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो गाइज ऐसे मैं भी बोलना चाहूंगा कि मेरा भी चैनल छोटा है, मुझे भी सपोर्ट नहीं करते। तो गाइज ऐसा नहीं होता है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि आप सबको भी पता है कि YouTube पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाइज, मेहनत का फल मिलता है। बट गाइज कोई भी यूट्यूबर यहाँ पे पहले ही बड़ा नहीं बनना पाता है, पहले उसका चैनल छोटा होता है, धीरे धीरे करके उसका चैनल यहाँ पे बड़ा होता है। तो गाइज ये दो रीज़न थे जिसके कारण जो यूट्यूबर हैं उनको हेट किया जा रहा है, पहला रीज़न तो आपको पता है और दूसरा रीज़न ये है कि वीडियो के माध्यम से लोग बोल रहे हैं कि घमंडी है, ये सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, तो लोग इनसे वीडियो देख के यहाँ पे हेट करें। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मेरे को पता है कि जो उत्तराखंड के काफ़ी यूट्यूबर है काफ़ी अच्छे हैं जिनकी मैं वीडियो देखता हूँ। बट गाइज
आपको पता है कि हर कोई यूट्यूबर किसी भी यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करता। अगर वो मुझे सपोर्ट करेगा तो दूसरा बोलेगा कि उसे सपोर्ट नहीं किया। तो गाइज वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, एंड ऐसा है नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करते। गाइज आप अगर उनके पास जाएंगे तो आपको बताएंगे कि आप वीडियो ऐसे बनाए, थंबनेल ऐसे बनाए, ऐसे करके वीडियो डाले। तो गाइज हर कोई अपनी नॉलेज शेयर करता है, बट कोई भी गाइज अपने चैनल के माध्यम आपको प्रमोट नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही है कि गाइज यूट्यूब पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइज ये तो वो दो रीज़न जिनका मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, आपके जो डाउट है उनको क्लियर करो। तो गाइज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ एंड इन डाउटों को क्लियर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।